हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। एक बहुत बड़ी अपडेट आई है और इस अपडेट को आपको पता होना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया था, केपॉप इंडिया को लेकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकल रहे हैं, कैसे आपको फिल करना है पूरा आपको बताया था, लेकिन वेबसाइट में कुछ चेंज किए गए हैं, कुछ बातें नई ऐड की गई हैं और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। 7 मई लास्ट डेट है। कैसे क्या करना है वो सब बताऊँगा। जो लोग अपने फ़ोन से फॉर्म फिल करेंगे, जो पीसी लैपटॉप से करेंगे, सबके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए गाइस, मैं गूगल पे हूँ, आपको गूगल पे सर्च करना है, आपको बता रहा हूँ गूगल पे सर्च करना है केपॉप इंडिया कॉन्टेस्ट 2023। जैसे आप एंटर करेंगे तो आपके सामने सबसे ऊपर वेबसाइट आएगी केपॉप इंडिया। अपने फ़ोन से करेंगे तब भी यही वेबसाइट आपको देखने को मिलेगी। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है तो आपके सामने कुछ इस तरह की वेबसाइट खुलेगी, और अगर नहीं खुलता तो कोई बात नहीं, ये जो लिंक है, ये वाला लिंक आपको इस वीडियो का जो सबसे पहला कमेंट होगा वहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ बदलाव हो गए हैं, आपके सामने लोगो वही है, यानी कंपनी वही है, वेबसाइट वही है, लेकिन कुछ चेंज किए गए हैं। अब आप सोचोगे कि ये क्या चेंज है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें एलजी कंपनी ने अपना कुछ और मसाला ऐड किया है, मसाला इन द सेंस अपनी ही कुछ और नई नई चीज़ें ऐड कर दी हैं कि हम आपके साथ हैं, आप कॉम्पिटिशन्स कराओ, कॉन्टेस्ट कराओ, और एलजी भी कुछ ना कुछ गिफ्ट देना चाहता है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी बेनिफिट साबित होगा। अब यहाँ पर सब कुछ वही है जो मैंने कल बताया था, कुछ चेंज नहीं किया है, लेकिन कुछ चीज़ें बदलाव हैं। जैसे सबसे पहले आपको इस वेबसाइट के लिए एक अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी होगी। कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको बताऊँगा। क्रिएट करने के बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, जैसे मैंने कल बताया था, वही एक बार फिर से आपको बता देंगे कैसे करना है। जैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हैं तो आपको एक रिवॉर्ड मिलेगा, ये आप देख सकते हैं, ये रिवॉर्ड एलजी की तरफ से मिलेगा। इसमें आपको डिस्काउंट कूपन्स मिलेंगे, उन डिस्काउंट कूपन से आप लकी ड्रॉ जीत सकते हैं। हो सकता है कि आपको एक ऐसी एलिजिबिलिटी मिल जाए जो आपको सीधा फाइनल राउंड पे ले जाए, या फिर हो सकता है कि आपको कोई कैश यानी पैसा आपके हाथ लग जाए, सिर्फ ऑनलाइन राउंड यानी सिर्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्म करते ही। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने फिल कर दिया है, उन लोगों को पसंद आ रहा है, तो आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जिसको बोलेंगे रीजनल राउंड। रीजनल राउंड के अंदर जो लोग शॉर्ट लिस्ट होंगे वो जाएंगे सेमीफिनाले। अब इस रीजनल राउंड के अंदर अलग अलग स्टेट के जो लोग होंगे वो आकर अपना ऑडिशन देंगे, और ये आपका ऑफलाइन होगा। फिर से ध्यान से सुनिए, ये आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा, ये वेबसाइट में ही करना होगा, ये मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल होता है तो आपको रिवॉर्ड मिलते हैं एलजी की तरफ से, डिस्काउंट कूपन्स मिलते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें मिलने की संभावनाएँ हैं। जैसे आप ये फिल कर दिया आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अब ये चेक करेंगे, चेक करने के बाद उनको जो जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म अच्छे लगेंगे, जहाँ पर उनका आपका डांस अच्छा लगेगा, आपकी सिंगिंग अच्छी लगेगी, तो आप चले जाओगे रीजनल राउंड में, आप मतलब सेकंड राउंड में चले जाओगे। रीजनल राउंड में ये आपको एक प्लेस बताएंगे कि आपको इस जगह आना है, वो आपके नियरेस्ट ही होगा, ऐसा नहीं कि बहुत लंबा आपको जाना पड़े, और इंडिया में ही होगा। जब आप उन प्लेसेस पे जाकर अपने ऑडिशंस दोगे, उसके बाद अगर आप सिलेक्ट होते तो आप जाएंगे सेमीफिनाले। और जितने भी लोग सेमीफिनाले में आएंगे, यानी जो इधर से पास होकर इधर आएंगे, उनके साथ दो चीज़ें होंगी। सेमीफिनाले वाले जितने भी होंगे उनको ट्रेनिंग कराई जाएगी केपॉप से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आपको केपॉप से रिलेटेड ट्रेनिंग कराई जाएगी। ये आप नीचे रिवॉर्ड देख सकते हैं, यानी जो भी सेमीफिनाले में आ जाएगा उसको चांस मिलेगा ट्रेनिंग करने का केपॉप अकेडमीज में। साफ साफ लिखा हुआ है, सुनो ध्यान से, यहाँ पर साफ साफ बोला है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हैं, सिर्फ फिल करते हैं, तो आपको डिस्काउंट मिलेंगे एलजी की तरफ से। फिल करने के बाद अगर आप पास हो जाते हैं तो आप पहुँचेंगे रीजनल राउंड। रीजनल राउंड में भी अगर आप पास हो जाते हैं तो आप पहुँचेंगे सेमीफिनाले। जो भी सेमीफिनाले में जाएगा उसके लिए रिवॉर्ड क्या है कि उसको मिलेगा चांस क्या, केपॉप में ट्रेनिंग करने का। अगर आप इस सेमीफिनाले में तो हैं, आपको चांस भी मिल गया है, वो अपना कंपटीशन करेंगे और उसके बाद एक विनर फाइंड होगा, जो भी विनर होगा उसको कोरिया का ट्रिप मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, आप फ्री में कोरिया जा सकते हैं। आप टीम के साथ जाएंगे, कैसे जाएंगे वो तो विनर को ही पता चलेगा, फिलहाल इसका मुझे इतना अपडेट नहीं है, लेकिन मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, उसके बाद ऑनलाइन राउंड का जो फॉर्म है उसको फिल करेंगे। अगर जैसे ही आप ऑनलाइन राउंड का फॉर्म फिल कर देते हैं, आपको डिस्काउंट मिलेगा एलजी की तरफ से आपके ईमेल पे, और फिर कंपनी देखेगी कि आपका रजिस्ट्रेशन कैसा है, अच्छा किया नहीं किया, फिर आप रीजनल राउंड में चले जाओगे। और ये कैसे पता चलेगा कि आपको रीजनल राउंड में सिलेक्ट किया गया, आप
आपके पास मेल आएगा तो आप समझ जाना कि मुझे रीजनल राउंड के लिए बुलाया गया है। तो जो रीजनल राउंड होगा इसमें आपको कॉम्पिटिशन करना होगा और जो कॉम्पिटिशन में विनर होगा वो जाएगा सेमीफिनाले। सेमीफिनाले जितने भी लोग जाएंगे उनको क्या मिलेगा, ट्रेनिंग करने का हिस्सा मिलेगा केपॉप अकेडमीज़ में। सेमीफिनाले के बाद जो भी कॉम्पिटिशन्स होंगे वहाँ से जो विनर निकलेगा उसको कोरिया का ट्रिप मिलेगा। ये यहाँ तक क्लियर हो गया है, चलिए आगे चलते हैं। देखो गाइस ये फिर से समझा रहा है, बाकी मोर डिटेल्स में अगर आप जाओगे तो आपको वही चीज़ें देखने को मिलेंगी जो मैंने कल आपको बताई थी, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जो बदल गई हैं। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी को देखेंगे तो आप इधर देख सकते हैं इन्होंने साफ साफ लिखा है कि जो इंडिया से हैं या फिर जो बाहर से हैं लेकिन वो इंडिया आ सकते हैं अपने पैसे से रीजनल राउंड के लिए, क्योंकि ऑनलाइन तो आप फॉर्म फिल कर दोगे घर बैठे, लेकिन आप कैनेडा से हैं या कोई ऐसी कंट्री से हैं कि आप इंडिया विजिट कर सकते हैं तो इसमें आपको अपना ही पैसा लगाना होगा इंडिया आने के लिए। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो फॉर्म फिल कीजिए, क्योंकि रीजनल राउंड में अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो बाहर से इंडिया अगर आप आ सकते हैं तो फिर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, इसमें पैसा आपका ही लगेगा क्योंकि रीजनल राउंड ऑफलाइन होंगे। यहाँ पर ये चीज़ और बदली गई है कि आप इंडिया के किसी भी कोने से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं दोनों कैटेगरी में, सिंगिंग में भी और डांसिंग में भी, तो ये काफ़ी अच्छा है। बाकी सभी बातें सेम है लेकिन एक चीज़ मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। जैसा आपको पता है LG कंपनी के जो बैनर्स होते हैं, पोस्टर्स होते हैं, हर जगह लगते हैं, पूरे इंडिया में बड़े बड़े बैनर्स लगते हैं। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, आपने ऑडिशन दिया है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया, अपनी फ़ोटोज़ डालोगे, अपनी वीडियोस डालोगे, तो ये LG कंपनी वाले ये कर सकते हैं कि आपके फ़ोटोज़ और वीडियोस का साफ साफ लिखा है कि ये डिस्प्ले कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट में यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बाय चांस आप ये मान के चलो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया, आपने बहुत अच्छी फ़ोटो डाली अपनी प्रोफाइल के अंदर, आपने आपकी वीडियो अच्छी है तो हो सकता है आप टीवी एडवर्टाइजमेंट में आपकी वीडियो दिखाई जाए, हो सकता है बहुत बड़ा बैनर लगा के आपकी फ़ोटो दिखा दी जाए, तो कहीं ना कहीं चांसेस इधर भी हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते ही आपकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ का LG कंपनी वाले यूज़ कर सकते हैं किसी न किसी चीज़ में, बड़ी बड़े एडवर्टाइजमेंट में, डिस्प्ले करने में, तो ये भी बहुत अच्छा एक मौका रहेगा। हो सकता है गाइज़ आपके लिए यही चांस मिल जाए, तो यहाँ पर भी एक अपॉर्चुनिटी मुझे लगती है। बाकी कुछ जनरल टर्म्स और कंडीशंस है मैंने आपको बता रखे हैं कि भाई कितने मिनट की वीडियो बनानी है, कैसे क्या करना है, वोकल के लिए क्या था, डांस के लिए क्या था, आप ये पूरा पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैंने परसेंटेज भी कल आपको क्लियर कर दिया था, कितने कितना परसेंटेज की ज़रूरत पड़ेगी ये मैंने क्लियर कर दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ये जो वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो का जो सबसे पहला कमेंट होगा ना उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, उधर लिखा होगा कि सेकेंड पार्ट, अगर सेकेंड पार्ट जो भी होगा ना वो उस वीडियो के अंदर मैंने प्रॉपर बताया हुआ है। चलिए आप सीधा मुद्दे पे चलते हैं और अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करते हैं। ये आप देख सकते हैं मैं फिर से वेबसाइट पे आ गया हूं, इधर साफ साफ लिखा है कैसे आपको पार्टिसिपेट करना है, पार्टिसिपेट नाउ। अगर आप फॉर्म से फॉर्म फिल कर रहे हैं तब भी ऐसा ही होगा, कोई बड़ा वो नहीं करना आपको। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको इधर लॉगिन करना है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है, सबसे पहले इधर आपको अपना नेम लिखना है, अपना मोबाइल नंबर लिखना है, मैं इधर अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपके पास OTP आएगा, ये आप देख सकते हैं सेंड OTP का ऑप्शन है, मैं सिंपली क्लिक करूँगा तो मेरे फ़ोन पर OTP आ जाना चाहिए। इधर दिखा रहा है कि OTP सेंड सक्सेसफुली, आपको ओके करना है। अब इधर OTP आएगा, गाइस OTP आ चुका है, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कुछ इस तरह से OTP आता है, मैं आपको इधर पिक्चर डाल दूंगा। तो ये OTP आपके फ़ोन में अलग आएगा, मेरे फ़ोन में अलग आता है, हर किसी के फ़ोन में अलग आता है, जो मोबाइल नंबर आप इधर डालेंगे उसी मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। यहाँ पर गाइस आपको अपना पर्सनल ईमेल ID डालनी है ताकि आप उस ईमेल को देख सकें। रीजन्स के अंदर आपकी जो नियरेस्ट सिटी है, आप जैसे दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के आसपास रहते हैं तो दिल्ली डालिए, अगर आप दिल्ली जा सकते हैं तो वो सिटी आप इधर डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई UP से है तो लखनऊ डाल सकता है, और जो हरियाणा से है उसके नियरेस्ट शायद दिल्ली पड़ेगा तो वो दिल्ली डाल सकता है। बेसिकली गाइज ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करेगा, अगर आप हरियाणा से दिल्ली ट्रैवल कर सकते हैं अपने पैसे पे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो लोग इस सिटी से ही हैं उनके लिए तो बहुत ईजी है, जो इस सिटी में कुछ ही पैसों में आ सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ईजी है, तो मैं यहाँ पर दिल्ली डाल देता हूँ। बात करते हैं स्टेट की, अब आप कौन से स्टेट से हैं वो चलिए चूज़ कर लेते हैं, जो भी आपका स्टेट है वो इधर आ जाएगा आपको। मैं इधर डाल देता हूँ उत्तर प्रदेश,
सिटी की बात करें तो वो सिटी डालनी है जहाँ पर आप रहते हैं। तो गाइज मैं इधर बरेली डाल देता हूँ, पिन कोड आपको मिल जाएगा, सर्च कर लेना। मैं इधर पिन कोड, ये रहा मेरा पिन कोड, मुझे पता है पिन कोड। गाइज आप अपने सिटी के आसपास का सर्च कर लेना कि आपके सिटी का पिन कोड क्या है, वो पिन कोड डाल देना। अगर नहीं पता तो किसी बड़े से आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये वो जगह है जहाँ पर आप अपना सेकेंड राउंड के लिए जाएंगे, कौन सी जगह आप जा सकते हैं उस लिए है ये, और ये है आपका प्लेस। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके, अब मैं इसको करता हूँ नीचे टिक और इसको फिर कर देते हैं रजिस्टर्ड। रजिस्टर करने के बाद आप इधर देख सकते हैं, ये मेरा प्रोफाइल बना दिया इन्होंने, जहाँ पर ये मेरा नेम है, ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये मेरी ईमेल आईडी है, आप इधर देख लीजिए, ये स्टेट है, ये सिटी है, ये पिन कोड है, और जो वो दूसरा मैंने दिल्ली डाला था वहाँ पर मैं ऑडिशन देने जा सकता हूँ, इस तरह से मैंने वो डाला है। उसके बाद ये पूछ रहा है अपलोड योर वीडियो, आपको अपनी वीडियो अपलोड करनी है। मैंने कल आपको बताया था कि आपको यूट्यूब पर वीडियो डालनी है फिर लिंक डालना है, लेकिन अब वेबसाइट में बदलाव किए गए तो आपको अपनी वीडियो बनानी है। वीडियो बनाने के बाद ये आप देख सकते हैं ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट फाइल का, अगर आप एक सिंगर हैं तो सॉन्ग डालिए, अगर आप डांसर हैं तो इधर डांस का ऑप्शन आ रहा है, डांस डालिए। आप देख सकते हैं सॉन्ग डाल दिया, ये डांस डाल दिया, मैं मान लेते हैं मेरे पास डांस, मैं डांसर हूँ, मैं डांसिंग की डालता हूँ। सिलेक्ट फाइल पे ओपन करेंगे, जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से वीडियोस आ जाएंगी। अब मेरे पास गाइस वीडियो नहीं है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे डाल के दिखा देता हूँ, कोई वीडियो हो मेरे पास तो। चलिए मैं ये वाली वीडियो डाल देता हूँ और इसको करता हूँ फिर मैं ओपन, और ये आप देख सकते हैं मैंने इधर वीडियो डाल दिए सिलेक्ट फाइल करके। अगर आप फ़ोन से फॉर्म फिल कर रहे हैं तब भी यही ऑप्शन होगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी प्रॉब्लम हो रही है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए, और जो मैंने कल वीडियो बनाई थी उसमें जितने भी कमेंट्स होंगे वो भी मैं पढ़ूंगा, उसके बाद एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको वो सारे डाउट भी क्लियर हो जाए। 7 मई तक लास्ट डेट है तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से करना, कोई जल्दबाजी नहीं करना, और बहुत ईजी प्रोसेस है। अब मैं इसको अपलोड करता हूँ और ये आप देख सकते हैं 5% अपलोड हो गया है और ये पूरा 100% अपलोड हो चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी वीडियो इस तरह से देखने को आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, ये LG का लोगो आपको कोने में नज़र आ रहा है, आपको सिंपली क्लिक करना है, और ये व्यू ऑडिशन वीडियो हेयर का ऑप्शन आपको इधर नज़र आ रहा है, सिंपली इस पर क्लिक करने के बाद आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपकी वीडियो अपलोड नज़र आ जाएगी। अगर नहीं आती तो आपने कोई प्रॉब्लम करिए, फिर से आप इधर डाल सकते हैं। अब वो वीडियो कैसे सर्च करनी है, सबसे पहले आपको इधर सर्च बाय नेम, अपने नेम से आप सर्च कर सकते हैं, जैसे मैंने अपना जो नेम बनाया है केशव के नेम से बनाया है, ऐसे सर्च करोगे तो वीडियो आ जाएगी, लेकिन वो कल आएगी, आज डालिए कल दिखेगा। अब कैटेगरी के अंदर आपने डांस में डाला है तो डांस सेलेक्ट कर लीजिए, और सेलेक्ट रीजंस के अंदर जो भी आपने रीजन सेलेक्ट किया है वो, जैसे मैंने दिल्ली सेलेक्ट किया था तो दिल्ली इधर डालना है। तो इधर अगर आपकी वीडियो आ रही है इसका मतलब आपने सही से रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर लिया है। और आपको बता दूं गाइस, जैसे ही आप फॉर्म फिल करेंगे उसके 24 आवर्स के बाद ही इधर वीडियो आपको देखने को मिलेगी, उससे पहले देखने को नहीं मिलने वाली। लास्ट डेट मैंने आपको बता दी 7 मई है, और इसके बारे में और डिटेल में अगर आपको जानना है कैसे क्या क्या करना है तो मोर डिटेल पे जाकर आप पूरा पढ़ सकते हैं, नहीं तो इसके ऊपर मैंने भी डेडिकेटेड पूरा वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट बॉक्स में ही आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे सिंगर ये बोलते हैं कि हमें सिंगिंग करते वक्त हमें प्रॉब्लम होती है, हम कौन सा माइक यूज करें, तो गाइज आपको माइक यूज नहीं करना, इधर इन्होंने साफ साफ बोला है कि माइक अलाउड नहीं है। ये आप देख सकते हैं माइक्स आर नॉट अलाउड, स्टूडियो रिकॉर्डिंग आर नॉट अलाउड, तो ये अलाउ नहीं है, लेकिन आप रिकॉर्डर्स का यूज कर सकते हो। रिकॉर्डर्स क्या करते हैं, जैसे आपका फोन है, फोन के अंदर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है वहां पर भी तो माइक का यूज हो रहा है, यानी फोन में भी तो जो माइक होता है जो रिकॉर्ड करता है तो उसको माइक नहीं बोलते, उसको रिकॉर्डर बोलते हैं। अब ये रिकॉर्डर का आप यूज कर सकते हैं, ये आप अच्छा ले सकते हैं, और अच्छा इन द सेंस बहुत महंगा नहीं आता है, बहुत सस्ता आता है। मैं आपको इस रिकॉर्डर का लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, इसको बोया माइक बोलते हैं या बोया रिकॉर्डर बोलते हैं, इस रिकॉर्डर का आप यूज कर सकते हैं। और दूसरा गाइस, जितने भी सिंगर्स हैं वो जो अपनी वीडियो डालते हैं तो ऑडियो नहीं डालनी आपको, आपको वीडियो ही डालनी है, इस चीज का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं करना है कि आप सिंगर हैं तो आप सोच रहे हैं कि सिर्फ हम ऑडियो डाल के काम चल जाएगा, आपको वीडियो के साथ, यानी आप बोलते लगना चाहिए कि आप सिंगिंग कर रहे हैं और आपकी साउंड आनी चाहिए। आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे।
बाकी कुछ और डाउट हैं जैसे कि कोरिया का जो टिकट है वो कैसे मिलेगा, कैसे हम अगर सिलेक्ट हो जाते विनर हो जाते तो कोरिया कैसे जाएंगे, किसके साथ जाएंगे, ये सारी बातें मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल अभी आप ये जो प्रोसेस है ये मैंने आपको बताया, इसको ध्यान में रखिए, और कोई भी प्रॉब्लम है तो टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप पर पूरा सॉर्ट आउट करने की मैं कोशिश करूँगा। वहीं गाइज मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।